5, 4, 3, 2, 1। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जिस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश के राजनीतिक दृश्य विधान की बड़ी बड़ी वास्तविकताओं को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। अभिभाषण में कुछ सीमा एक रूपता नहीं है। अभिभाषण में कुछ ऐसी गलतियां हैं और तथ्यों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है जो इस सदन के माननीय सदस्यों और लोगों के नोटिस में आने से नहीं रह सकते हैं। राष्ट्रपति ने सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा भारी जनादेश से प्राप्त की गई विजय का उल्लेख किया है। मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि अन्य माननीय सदस्य उस कल्पना का भंडाफोड़ कर चुके हैं, क्योंकि तथा कथित भारी जनादेश में कोई व्यापकता नहीं है। तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि कुल मतदाताओं के केवल 57% ने अपने वोट डाले थे और उसमें से केवल 42% वोट सत्तारूढ़ दल को मिले थे। इसका अर्थ यह है कि आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि कुल मतदाताओं के केवल लगभग 1/4 मतों के प्राप्त होने से सत्तारूढ़ दल को 2/3 बहुमत मिल गया है, जिसका अर्थ अंतिम विश्लेषण में यह है कि अल्पमत का बहुमत पर शासन। यह विरोधाभास स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई है कि हमारी निर्वाचन प्रणाली में कुछ त्रुटियां निहित हैं, जिससे एक बार पुनः चुनाव में सुधारों को तत्काल करने की आवश्यकता है। यह विरोधाभास स्थिति तभी समाप्त हो सकती है यदि हम व्यापक रूप से स्वीकृत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनी निर्वाचन प्रणाली का मूल आधार बनाएं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश में हुए आम चुनावों में सांप्रदायिक और जातिवाद पर आधारित तत्वों की करारी हार का कोई उल्लेख नहीं है। चुनाव के परिणामों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि हमारे मतदाताओं ने राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर ली है और उन्होंने देश की राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति सांप्रदायिक और जातिवाद की प्रवृत्ति को अस्वीकार कर दिया है। मतदाताओं ने हिंदू राष्ट्र के घातक सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों की बजाय धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के पक्ष में अधिक व्यवस्थित तरीके से अपना निर्णय दिया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारे देश में उत्पन्न हुई नई स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विशेष रूप से उन्होंने 7वीं लोकसभा में बड़ी संख्या में वामपंथी और लोकतांत्रिक तत्वों के आने का कोई उल्लेख नहीं किया है। इन वामपंथी और लोकतंत्रात्मक तत्वों से भविष्य के लिए अच्छी आशा बनती है जो बुर्जुआ जमींदारों की पार्टियों, चाहे वे एकल हों अथवा मिली हुई हों, के स्थान पर एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प देने की स्थिति में हो सकती हैं। चुनाव के परिणामों से निसंदेह यह भी सिद्ध हुआ है कि इस देश की जनता तीसरे विकल्प की खोज में है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो 1952 से ही कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न विचारधाराओं के लोग पार्टी के रूप में
देश के सामने आए और उस समय से यह प्रयास रहा कि कांग्रेस को पदस्थ करके शासन में आए, लेकिन 12 वर्ष के बाद इन लोगों ने यह अनुभव किया कि अलग अलग विचारधारा रखकर हम लोग सरकार में नहीं आ सकते। ऐसी हालत में सारी पार्टियों ने मिलकर संघविद की सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उस समय भी इस मुल्क के लोगों ने पूरे का पूरा शासन इन लोगों के हाथ में नहीं दिया और 10 राज्यों में संघविद की सरकारें बनी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार ही रही। उन संघविद की सरकारों का जो रवैया रहा उससे यह साफ जाहिर हो गया कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग मिलजुल कर सरकार नहीं चला सकते। वे सरकार बिखरी, टूट गईं और सारे मुल्क में यहाँ की जनता ने कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया। उसके बाद जितने दलों के नेता थे उन सब ने जनता के बीच में यह बात रखी कि अगर हम लोगों को सेंटर में भी मौका मिलता तो हम द्रुत गति से जनता का फायदा कर सकते थे। जनता की समस्याओं को जो कांग्रेस धीरे धीरे हल करना चाहती है, हम उसको द्रुत गति से हल कर सकते थे और कम समय में देश का नक्शा बदल देते। इन बातों के लिए भी प्रयास करने में उनको 10 साल का वक्त लगा। उसके बाद 1977 में जनता के सामने इन लोगों ने सब पार्टियों को मिलाकर कहा कि हम एक पार्टी हो जाते हैं, हमें मौका दीजिए, और जनता पार्टी नाम रख दिया जनता के हितों के लिए। इससे जनता के मन में यह बात उठी कि हो सकता है कि कांग्रेस धीरे धीरे देश में उन्नति कर रही है और अगर इन लोगों के हाथों में सत्ता दी जाए तो हो सकता है कि द्रुत गति से हम लोगों को कुछ फायदा मिले, हम आगे बढ़ें और हम लोगों में खुशहाली आए। इसलिए सन 1977 में जनता ने इन लोगों को जिताया और राज्यों में भी और केंद्र में भी सरकार बनाने का मौका दिया और बड़ी उम्मीदें लेकर यह मौका दिया था कि अब हम लोगों के लिए अच्छे दिन लौटने वाले हैं। लेकिन जो कुछ हुआ वह सबको मालूम है। इन लोगों ने शुरू शुरू में जब सरकार का काम संभाला तो कुछ दिनों तक तो लोगों के मन में यह आशा जगी रही कि हम लोगों की प्रगति होगी, लेकिन विभिन्न विचारों के इन लोगों ने एक नाम रखकर विभिन्न दिशाओं में खींचातानी शुरू कर दी। खींचातानी आपस में बढ़ने लगी और वह इतनी बढ़ी कि 2.5 साल भी जनता पार्टी नहीं चल सकी और उसकी सरकार बिखर गई, 2 भागों में वह बंट गई और फिर सरकार टूट गई।